एक समझौता के माथा बाबूराम भटनायक के चरण में जाके डाल देते हैं। ऐसा हालत रहा तो उस पार्टी का अध्यक्ष भी कोई शासक बन के बाबूराम भटनायक बन गया है और वो खुद कहता है मदरस बात कहां से हमारे मित्र ने कहा भी जिसको मदेशे ने बनाया मदेशी शहीदों ने बनाया वो खुद आज पूछ रहा है मदरस बात कहां पूरा बाबूराम भटनायक के चरण में सौंप दो पार्टी को और पूछ रहा है मदरस बात कहां से। यह हालत उसके केंद्रीय समिति में देखेंगे 500 आदमी का केंद्रीय समिति है उसमें आपको गिने चुने मदेशों को नाम है उससे ज्यादा नाम आपको लोक सेवा आयोग के लिस्ट में मदेशों के नामों से ज्यादा मिलता है। यह हालत रहा है तो हमें मोटा मोटी तौर पर एक ही बात समझना है कि भाई शासक वर्ग की जो पार्टी है वो कभी अपना नहीं हो सकता है। हम सब जानते हैं आप सभी घर में दूध रखते हैं तो दूध जब रखते हैं तो दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को तो नहीं रखते हैं। दूध की रखवाली के लिए अगर आप बिल्ली को रखेंगे तो दूध पिएगा ही जैसे आपका नजर छुपा हो दूध को पी जाएगा। उसी तरह मदेश में नहीं होने का कारण यह कि हम सब मदेश को रखवाली करने के लिए उस कांग्रेस एमएलए नेकपा को चयन करते रहिए जिसका कारण यह मदेश बर्बाद होता गया और बर्बाद होते होते इस कगार पे आ गया है कि आज मदेशी शरणार्थी बनने के कगार पे। और दूसरी बात यह भी याद रखना है कि खाली चेहरा मिलने से भी नहीं होता जिस जो हम 13 वर्ष से देख रहे हैं क्योंकि धान खेत भी हरा भरा रहता है और उसी हरा भरा धान के खेत में उसी रंग का सुगवा सांप भी होता है। तो सुगवा सांप को धान का पेड़ समझने का भूल मत कीजिए। सुगवा सांप को धान का पौधा समझकर पकड़ने जाएंगे तो डसेगा ही। वही हालत है हमारे चेहरा जैसा ही मिलने से उसको पकड़ने जाएंगे तो डसेगा ही। वो तो है उसी का दूध है जो बार बार साबित किया है भोट नेता मदेशी के नाम पर जाकर उसी के शरण में सौंप देता है। ये जानना जरूरी है और समग्र में ये सुगवा सांप हम सबका नहीं हो सकता है। ये दिखने में हम जैसा लगता है लेकिन मदेशियों का राम मनोहर यादव का हत्या करवाने वाला भी वही सुगवा सांप सब है। ये देख रहे हैं अभी वो जगह जगह बजर चला रहे हैं बजर चलाने वाले भी वही है जगह जगह बलात्कार किया जाता है उसी का पार्टी का है जगह जगह पुल नहीं बन रहा है उसी पार्टी के संरक्षण में है। तो ये देखने को मिलता है और उससे भी बड़ी बात यह है कि भाई उसको तो बार बार एक बार नहीं दो बार नहीं बार बार देखते आ रहे हैं। हर एक सरकार में तो यही बन रहा है और इतना ही नहीं राणा काल में भी यही था लोकतंत्र आया तो भी यही था गणतंत्र भी आया तो भी यही है। कांग्रेस को पिछले 70 बरस से देख रहे हैं 2007 साल में बनाया सरकार 70 बरस से देख रहे हैं हिमालय को 25-30 बरस से देख रहे हैं दलाल पार्टी सबको भी 13 बरस से देख रहे हैं। तो मान लीजिए जिसको इतना बार बार देख रहे हैं और वो काम नहीं कर रहा मान लीजिए दवा है अब इसको आप 70 बरस से खा रहे हैं और इलाज नहीं हो रहा है तो क्या यही दवा खाएंगे आप। 25 बरस से देख रहे हैं हमारे पार्टी को 25 बरस ये दवा खा रहे हैं ये दवा कुछ कामे नहीं कर रहा है इलाजे नहीं कर रहा है ये दवा खाते रहेंगे। 13 बरस से मदेशवादी वाला दवा खा रहे हैं कि भाई ये मदेश का इलाज कर देगा अब कुछ नहीं हो रहा उल्टा क्या कर रहा है रिएक्शन कर रहा है। ये दवा क्या है खास में डेट एक्सपायर हो गया है इसका म्याद गुजर चुका है इसका कोई काम नहीं है। तो जितना भी ये कांग्रेस है एमएलए है माओवादी है समाजवादी है राजपा सब क्या है डेट एक्सपायर दवा सब है। कांग्रेस में भी यही थे नेकपा में भी यही थे हिमालय में भी यही थे और हर एक जगह यही रहते हैं। ये सब बार बार देख चुके हैं और समाजवादियों को जानबे करते हैं पूर्व हिमालय की पार्टी है उपेंद्र जी खुद हिमालय है राजेंद्र राय खुद हिमालय है राजेंद्र श्रेष्ठ खुद हिमालय अशोक राय खुद हिमालय है ये तो पूर्व हिमालय की पार्टी है और इसको बार बार देख चुके कांग्रेस को 70 बरस से देख चुके एमआलए को भी 25 बरस से देख चुके इनको भी 13 बरस देख चुके कोई काम करने वाला नहीं है। ये दवा म्याद गुजरा हुआ दवा बिल्कुल नहीं खाना इनसे दूर रहना अगर खाएंगे तो ये रिएक्शन करके उल्टा जान लेगा ही मदेश का वही हो रहा है। अब आप कहेंगे अभी अभी तो आपका पार्टी बना ही है नया नया पार्टी है तो नया पार्टी से क्या होगा हमको बताइए। अभी यहाँ पर जब दुकान में जाएंगे मोबाइल खरीदने के लिए तो आप क्या कहेंगे 70 वर्ष पहले का मोबाइल दो है कहेंगे सबसे नया मॉडल वाला मोबाइल निकालिए सबसे नया मॉडल वाला मोबाइल दीजिए। गाड़ी खरीदने जाएंगे स्कॉर्पियो क्या कहेंगे
सबसे नया मॉडल रहा है ऑस्ट्रेलिया सेवन क्या आया है उन सबसे नया मॉडल ला के दीजिए और पार्टी चाहिए तो कबाड़ी पुरानी पार्टी 70 वर्ष पहले की पार्टी चाहिए जो पूरी तरह जंग लग के बर्बाद हो चुका है जिसका कोई धरातल नहीं पूरा पहिया पहिया अलग हो गया है वो पार्टी आपको कहीं नहीं ले जा सकता है जिसका सारा चक्का खुल गया है पूरा इंजिन में जंग लग गया है कोई काम का नहीं उसमें कोई जीपीएस सिस्टम भी नहीं है वो कहीं काम नहीं देने वाला हो उसके पास कोई रोड मैप नहीं है कोई विजन नहीं कि वो कहां ले जाए वो तो अपने में लड़ते लड़ते हर हर खटखट करते करते मर जा रहे हैं उसमें ले जो लगकर कहीं किसी का भला नहीं होने वाला ये एकदम स्पष्ट है अब कहेगा लोग कि भाई होता है उस पार्टी में लगेंगे तो चलो पैसा खाने के मिलेगा कहीं कहीं एकदम जीता हुआ है जनप्रतिनिधि से बहुत सारा पैसा आया है तो याद रखिए इंडोनेशिया की घटना और कल परसों भी मैंने संसार में पढ़ा था पर आप सभी जानते हैं कि ऐन ऐसा पारित किया गया है कि उपभोक्ता समिति प्रतिनिधि को तो बातें छोड़िए उपभोक्ता तो समिति का जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है अनियमितता हुआ है उस सबका छानबीन होने वाला है कोई नहीं बच पाएगा कोई भी इस फिराक में एक बार उसमें थोड़ा पैसा खाने का मिलता है ठेकेदार अच्छा का पता मिलता है उपभोक्ता समिति में बैठ के खाने को मिलता है उस पार्टी में रहेंगे उस भ्रम में मत पड़िए क्योंकि वो 5 वर्ष बाद भी 10 वर्ष बाद भी छानबीन होकर उस भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही है ऐसी व्यवस्था हम सब भी लाएंगे ऐसी व्यवस्था आएगी ही जनता जागेगी ये निश्चित रहिए तो पैसा खाने की लालच में मत देखिए उधर क्योंकि वो सारा तो खुद जेल जाने के कगार पे है कोई गौर के नरसंहार में जेल जाने वाले हैं तो कोई भ्रष्टाचार के अभियान में जेल जाने वाले इसीलिए उन्हीं के शरण में वहां पर बैठे पड़े हैं क्योंकि सभी का फाइल वहां पर बना हुआ है अख्तियार का इसीलिए उसमें कोई फायदा नहीं अब कहेगा कि भाई उस पार्टी में लड़ते तो हमें क्या है कोई बचा देता मुद्दा मामला में बैठा बचा देता तो हमको बताइए जो कांग्रेस पार्टी अफताब आलम को नहीं बचा पा रही अफताब आलम उसने वरिष्ठ नेता जेल में सर रहा है उसको नहीं बचा पा रहा है तो किसी और को क्या बचाएगा जो नेकपा उसके अपने सभामुख कृष्ण बहादुर महाराज जेल में सर रहा है उसको नहीं बचा पाएगा तो बचा दो जो राजपा रेशम चौधरी को छुड़ाने के लिए छटपटाते मर गया बेचारा कब छोड़ देगा जो हम सरकार में जाएंगे वो छोड़ नहीं रहा है लेकिन रेशम चौधरी जैसे आदमी नहीं छोड़ पा रहा है छुड़ा पा रहा है यही पर थमन बीक के कान में अभी भी दर्जनों उसके कार्यकर्ता भागे हुए हैं दर्जनों कार्यकर्ता अभी भी जेल में बंद है उसको नहीं छुड़ा पा रहे वो आपको छुड़ाएगा इस भ्रम में मत डाल अभी भी किसी जेल में जाइए मोतरी के जेल में जाइए सिराह के जेल में कहीं भी जेल में जाइए आज भी राजपा और फोरम के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर सर रहे हैं वो उसको बचा नहीं पा रहा वो क्या आपको बचाएगा इसीलिए उस भ्रम में भी मत पड़िए कि वो बचा देगा आपको लेकिन हाँ एक बात है कि अगर